और काफी सारे वीडियोस आपने देखा होगा, लेकिन इस तरीके का जो प्रोसेस है वो कोई करके नहीं बताया, क्योंकि जो मेहनत की चीजें होती है वो कोई बताना नहीं चाहता। लेकिन इसमें भी हमारा हार्ड वर्क है, क्योंकि कोई भी अच्छी चीजें बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसको आपको ऐड करना है, तो घी हम इसमें डाल देते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था काउडंक गाय के गोबर से अगरबत्ती बनाने के प्रोसेस के बारे में, और ये वीडियो जो है आज का हमारा सेकंड टॉपिक वीडियो होगा। और जो है काफी सारे लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि आप पार्ट टू का वीडियो आप कब लेके आओगे, तो उसके पर्पस में आज का ये हमारा वीडियो है। और इस वीडियो में हम जो है कंप्लीट प्रोसेस करेंगे, प्रैक्टिकल वीडियो होगा हमारा, जिसमें मैं आपको इन सारे मटेरियल्स को लेके एक अच्छी और प्रीमियम और एक अच्छी और नेचुरल अगरबत्ती बनाने के प्रोसेस को हम सीखेंगे। तो मटेरियल का कंपोजिशन क्या होगा, हमें किस तरीके से उसे मिक्स करना है, कैसे बनाना है, तो उन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तो मैं सारे मटेरियल्स रखा हुआ हूँ जो कि हमें जरूरत होगी एक काउडंक अगरबत्ती बनाने के लिए। तो टॉपिक में बात करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि इन सारे चीज़ों को इकट्ठा करने में बनाने में कुछ मेहनत लगती है, और जब तक आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम आगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इससे एक हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। कहना है क्या क्या हमारा रेशियो होगा उसके बारे में जो है बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काउडंक पाउडर के बारे में, जो कि पाउडर फॉर्म में है, और इसके बारे में मैंने पार्ट वन की वीडियो में आपको बता चुका हूं कि आपको जो गोबर होती है हमारी उसको किस तरीके से ग्राइंड करना है, स्क्रीनिंग करना है, उसके बाद जो है हमारा ये पाउडर जो है रेडी होता है। तो सबसे बड़ा रोल हमारा काउडंक गाय के गोबर से अगरबत्ती बनाने का प्रोसेस में सबसे ज़्यादा रोल हमारी पाउडर्स का ही है, जो कि गाय की गोबर से बनी हुई पाउडर है। तो ये पाउडर हमें लेना होगा 500 ग्राम। और सेकेंड चीज़ है हमारा कूपम पाउडर। कूपम पाउडर जैसा कि आप जानते होंगे सो एक एक फ्रेगनेंस वाली पाउडर होती है जिसमें एक अच्छी खुशबू होती है, तो इनका हम यूज़ करेंगे, जो कि हमारी अगरबत्ती को एक मतलब ये जो हमारा अगरबत्ती बनेगी वो अच्छी खुशबू और फ्रेगनेंस वाली ही बनेगी। और जो हमारा अगला पाउडर है वो है हमारा जिगट पाउडर। जिगट पाउडर जैसा कि आप जानते ही होंगे तो एक ये गमिंग पाउडर होती है, जो कि हैंडमेड या फिर बहुत सारी जो अगरबत्तियाँ जो बनती हैं वो जिगट पाउडर से ही मिलकर बनती हैं, और इसका जो है हम यूज़ करेंगे ज़्यादातर ये हैंडमेड प्रोसेस में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वैसे और बहुत सारे जो है गमिंग पाउडर आते हैं, जैसा कि हमारा जोस पाउडर हो गया, ग्वार गम हो गया, तो वो सारा चीज़ हम यूज़ नहीं करेंगे, हम करेंगे एक जिगट पाउडर, जो कि ज़्यादातर हैंडमेड और जो नेचुरल अगरबत्ती बनती हैं उसमें यूज़ की जाती है। तो ये हमारा जिगट पाउडर, और इसको हमें लेना है 200 ग्राम। उसके बाद हमें अगला चीज़ जो लेना है वो है हमारा कपूर, जिसे हम कैंपर बोलते हैं, और ये हमारी घर में आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि पूजा में और काफ़ी सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कपूर का यूज़ करने का पर्पस ये है कि ये इसमें एक अच्छी फ्रेगनेंस होती है, और इसका फ्रेगनेंस जो है हमारे अगरबत्तियों में आ जाएगी इसका यूज़ करने पर। तो इसे हम लेंगे 25 ग्राम। चाहो तो आप इसे ज़्यादा क्वांटिटीज में भी ले सकते हो, लेकिन अभी हम फिलहाल 25 ग्राम ही इसे यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा घी है, देसी घी है, देसी घी आपको लेना होगा, और देसी घी भी आप सभी के घरों में अवेलेबल हो जाएगा, और ये पूजाओं में और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए इसे भी यूज़ किया जाता है। तो एक अच्छी क्वालिटी का आपको घी लेना है, जो कि हमारी एक बर्निंग जो इशू होती है उसको भी सॉल्व करेगी, क्योंकि ये जलने में सहायक होती है, जैसा कि कपूर है तो कपूर भी जलने के लिए सहायक होता है। तो इन दोनों चीज़ों का हम ऐड करेंगे, और उसके बाद है शहद। शहद को आपको लेना होगा 25 ग्राम भी आप यूज़ कर सकते हैं, 50 ग्राम भी यूज़ कर सकते हो। सो अभी हम 25 ग्राम ही यूज़ करेंगे, और इसका बेसिक पर्पस यह है कि मैंने पार्ट वन की वीडियो में नहीं बताया था, सो अगर आप चाहो तो उसे ऐड कर सकते हो, तो मैंने सोचा कि इसे ऐड करना चाहिए हमें, और इनसे क्या है एक क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होगी, तो इसका भी हम यूज़ करेंगे।
और ये भी आप 25 ग्राम 50 ग्राम के एवरेज में आप ले सकते हैं। तो इन सारे मटेरियल्स और इनके कंपोजिशन के बारे में आपको पता चल गया होगा। उसके बाद जो है हमें ज़रूरत पड़ेगी बैम्बू स्टिक की, और इस बैम्बू स्टिक की मदद से हम बनाएंगे हैंडमेड अगरबत्ती, मतलब हैंडमेड बेस में ही हमारी जो है काउडंग की अगरबत्तियाँ बनेगी। और उसके बाद जो है पानी हम लेंगे, जैसा कि सामने मैं रखा हुआ हूँ, तो पानी का कंपोजिशन भी हम एक सीमित रेशियो में मिलाकर बनाएंगे। तो उन सारे प्रोसेस को हम पूरा कंप्लीट करते हैं, पाउडर को मिक्स करके इन चीज़ों को हम रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हमें इन पाउडर्स को एक जगह पे रखना है। और ये हमारा जो बड़ा वाला हमें थाल जो है रखना है। अब इसमें सबसे पहले हमको डालना है काउडंग की पाउडर। और दूसरा हमें डालना है कुपम पाउडर। कुपम पाउडर इसका जो है थोड़ा सा पाउडर आप एक्स्ट्रा बचा के रखें, ताकि कभी किसी कंडीशन में अगर वो गीला हो जाए तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा रखना होगा। तो इतना हम अभी रख लिए हैं। उसके बाद है हमारा ये जिगट पाउडर। जिगट पाउडर हम इसमें ऐड करते हैं। अब इन तीनों पाउडर्स को हमें अच्छे से मिक्स करना है, ताकि ये तीनों आपस में ब्लेंडिंग अच्छे तरीके से हो जाए। तो ये हमारा पाउडर जो है रेडी हो गया। अब इसमें हमें ऐड करना है हमारा कपूर की पाउडर। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है पाउडर रेडी हो गया है। अब इसके बाद हमें शहद और हमारा घी, इसको हम बाद में ऐड करेंगे, उससे पहले हम इसे पानी में मिक्स करके एक आटा के फॉर्म में बनाना है। तो इसके लिए हम पानी डालते हैं। पानी एवरेज इसमें 500 ग्राम से लेकर 700 ग्राम के बीच में आएगा। तो ये हम पानी रखे हुए हैं और इसमें आपको साफ पानी ही डालना है। तो इसे आप धीरे धीरे मिक्स कीजिए, एकदम से आपको पानी एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो उस कंडीशन में आपका जो प्रीमिक्स पाउडर होगा वो रेडी गीला हो सकता है। यही हमारा मेन प्रोसेस है, जो कि थोड़ा सा मेहनत आपको इसमें करना होगा। तो आप देख पा रहे होंगे अभी ये हमारा आटे के फॉर्म में धीरे धीरे बनना चालू हो गया है, मतलब जो आटे का हमारा गुत्था होता है उसी तरीके से ये बनेगा और ये धीरे धीरे आपका हार्ड होते जाएगा। और थोड़ी सी मशक्कत इसमें आपको करनी पड़ेगी, और काफ़ी सारे वीडियोस आपने देखा होगा लेकिन इस तरीके का जो प्रोसेस है वो कोई करके नहीं बताया है, क्योंकि जो मेहनत की चीज़ें होती है वो कोई बताना नहीं चाहता। लेकिन इसमें भी हमारा हार्ड वर्क है, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ें बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो है हमारा एक सबसे बड़ा प्रोसेस जो कि हमें करना है वो है हमारा ये घी। आपको घी अगर आटे के फॉर्म में ये बन जाती है तो बनने के बाद सारा मिक्सिंग का प्रोसेस हो जाने के बाद इसको आपको ऐड करना है। तो घी हम इसमें डाल देते हैं। इसको पाउडर के साथ में मिक्स नहीं करना है। कई लोग का मैं प्रोसेस देखा हुआ हूँ तो वो पाउडर के साथ में ही मिक्स कर देते हैं, लेकिन वो प्रोसेस हमारा सही नहीं है। आप इसको आटे के फॉर्म में बनाइए, उसके बाद इसमें जो है घी हो गया, मतलब जो लिक्विड फॉर्म में है उसे उस चीज को आप ऐड कीजिए। अब इसमें हमारा जो लास्ट प्रोसेस है वो है हमारा शहद। शहद आपको थोड़ा ही डालना है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारे बहुत सारे इंग्रेडिएंट इसमें डल चुके हैं। तो नॉर्मल एक प्रोसेस को करने के लिए थोड़ा सा हम जो है शहद इसमें मिक्स कर लेते हैं। अब इसको भी उसी कंडीशन में आप इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा जो कॉम्पोजिशन है जिसमें हमने सारे मटेरियल्स मिला के रेडी किए हैं, और एक आटे के फॉर्म में ये आटे के गुत्थे के जैसा ये बन के रेडी हुआ है। और इसकी क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ। और इसमें जो गमिंग की क्षमता है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब हमारी जो अगरबत्ती होगी वो काफ़ी अच्छे से इसमें रोल हो जाएगी।
तो इस तरीके की क्वालिटी आपके प्रीमिक्स पाउडर में होनी चाहिए, मतलब जो आप मटेरियल्स यूज करोगे वो अच्छी से अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए, तभी ये आपका हैंडमेड प्रोसेस में अच्छे से बनेगा। अब इसमें हैंडमेड का प्रोसेस हमारा बाकी है तो वो हम फटाफट से करते हैं, फिर ये हमारा नेचुरल 100% नेचुरल और प्रीमियम क्वालिटी की काऊ डंग से बनी अगरबत्तियां रेडी हो जाएगी। तो सबसे पहले ये सारा चीजें हैं उसको हम हटा लेते हैं। तो अभी फिलहाल हम इस ट्रे का यूज करेंगे और ये हम रखे हैं बैम्बू स्टिक जिसे रोल आउट हम करेंगे। और अभी फिलहाल हमारे पास जो है हैंड रोलिंग के लिए कुछ जुगाड़ हम नहीं रखे हुए हैं, तो इससे हमारा काम चले जाएगा। और हैंड रोल करने के लिए आपको एक लकड़ी से बना हुआ, प्लाईवुड से बना हुआ चीजें आपको रखनी होती है जिसके ऊपर से आपको रोल करना होता है। फिलहाल इससे हम अभी काम करेंगे, तो इसको जस्ट हम उल्टा कर लेते हैं और ये जो हमारी सतह होगी, नीचे की जो सतह होगी वो पूरी प्लेन होनी चाहिए फाइन, ताकि आप रोल करें तो आसानी से वो रोल आउट हो जाए। और ये हमारा पाउडर्स है और इस पाउडर को हम थोड़ा सा यहाँ पे रख लेते हैं और कुछ यहाँ पास हम रख लेते हैं। और इसे आपको जैसे आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो किसी गीले कपड़े में इसको आपको ढक लेना है, नहीं तो ये रखे रखे सूख जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर छोटी क्वांटिटी में बना रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अला भी हमें छोटा सा टुकड़ा लेना है। सबसे पहले जो है हम एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और इसी टुकड़े की वजह से जो है हम इसे रोल करेंगे। तो ये है हमारा बैम्बू स्टिक और इसमें आप किसी भी तरह का बैम्बू स्टिक यूज़ कर सकते हैं, होम मेड अगर बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं आप, चाहे तो आप मार्केट से भी इसे खरीद सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बैम्बू स्टिक, ये पाउडर का थोड़ा सा जो है प्रोसेस कर लेते हैं यहाँ पे। और इसको इस तरीके से जो है पहले बैम्बू पे आपको चिपकाना होगा, चिपकाने के बाद इसको रोल आउट आपको करना है। तो ये अभी आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा रोल होना चालू हो गया है, अभी थोड़ा सा और हमें रोल करना है इसको, क्योंकि इस प्रोसेस में मेरा भी ज़्यादा काम नहीं था, हैंड रोलिंग का प्रोसेस मेरा भी अभी फर्स्ट टाइम है। तो थोड़ा सा आप जब स्टार्टिंग में आप काम चालू करेंगे, इसका रोलिंग करना चालू करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और मेरे ख्याल से ये जो हमारा बर्तन है ना, इसमें थोड़ी सी जो है फिसलन ज़्यादा है, तो हमें एक थोड़ा सा रफ वाली चीज़ें लेनी होगी। फिलहाल हमारे पास तो अभी यही है, तो जैसा भी हो अभी तो काम चलना चाहिए। और इस तरीके से आप पाउडर का हल्का हल्का जो है लेप इसमें लगाते जाइए, ताकि जो रोलिंग हो वो और अच्छे से हो। तो ये हमारी स्टिक जो है रोल हो गई। फिलहाल ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तो ये हमारी स्टिक है। अब इसमें जो है सामने का जो सिरा है उसको आप थोड़ा सा तोड़ दीजिए, इसको बराबर कर लीजिए। और जो पीछे का सिरा है तो पीछे का सिरा आपको जैसे साइजेस रखनी होती है 1.5 इंच 2 इंच, तो उसके हिसाब से आप इसको तोड़ लीजिए। वैसे आप इसके प्रोसेस में काम करते जाएंगे तो ये आपका प्रैक्टिस बना रहेगा और आइडिया मिलते जाएगा। तो आप देख रहे हो कि कितनी अच्छी जो है हमारी स्टिक ये बनी हुई है। तो एक आध दो स्टिक और हम ट्राई करते हैं। तो ये हमारी सेकंड दूसरी थोड़ी सी ये उखड़ रही है, थोड़ा सा पाउडर की मात्रा इसमें ज़्यादा हमने डाल दिया। सो ये इस तरीके से आपका रेडी हो जाएगा। तो ये सामने का जो पोजीशन है वो हम काट लेते हैं और ये थोड़ी सी स्टिक मोटी बन गई, चलेगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है काफ़ी अच्छा प्रोसेस है, मतलब इसमें आप सबसे कम इन्वेस्टमेंट में
एक नेचुरल प्रोडक्ट बना सकते हैं और इसको मार्केट में आप सप्लाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इसमें आय का एक अच्छा साधन भी है और ये जो मटेरियल्स हैं वो आसानी से आपको मिल भी जाएंगे, इसके लिए ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में यहीं तक, क्योंकि काफ़ी समय हमें हो गया है और वीडियो ज़्यादा लंबी बन चुकी है। और ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा, काउडंग से बनी हुई एक प्रीमियम क्वालिटी की नेचुरल अगरबत्ती, तो इस तरीके से आप इसे रेडी कर सकते हैं। आई होप जो भी आपका क्वेश्चन होगा आप कमेंट जरूर कीजिए और इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। और आगे हम फूल से बनी अगरबत्ती और जो नेचुरल अगरबत्ती हैं जिसमें कम लागत में और कम इन्वेस्टमेंट पे हम काम कर सकें, धूप बत्ती हो या फिर फूलों से बनी हुई अगरबत्ती हो, तो इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल मिलते हैं अगले कुछ नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।